नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम ममता निगम है जी। ये आप जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 का जो द्वितीय चरण है, जिसकी काउंसलिंग में चार विषय जिनमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू के अति अल्प पदों में वृद्धि करने हैं, तो आप यहाँ पर माननीय कैबिनेट मिनिस्टर महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी को मिलने आए हैं। मंत्री जी ने क्या कहा और आपने ज्ञापन में क्या क्या लिखा गया है बताएं। सर, हम लोग मंत्री जी के पास आए हैं और हम आज पहली बार नहीं आए, हम पिछले 3 सालों से मंत्री, विधायक, सांसद और यहाँ तक कि सीएम तक के पास हम जा चुके हैं और आज स्पेशल हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जी। आज सारे शिक्षक बेरोजगार हैं, 3 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। और रही पद वृद्धि की बात, तो सर असमान वितरण किया गया है पदों में। 5600 पद पे भर्ती होनी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा पद इंग्लिश के, मैथ्स के दिए गए हैं और चार विषय हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और विज्ञान को बहुत ही नाम मात्र पद दिए गए हैं। एक और हम बात करते हैं कि हमारा देश हिंदी देश, हिंदी को आपने राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित किया है और आपने हिंदी को ही हमारे देश से बिल्कुल वंचित कर दिया। प्रदेश में आपने हिंदी के बिल्कुल नाम मात्र पद दे के ये साबित कर दिया है कि आप हिंदी को हमारे प्रदेश से खत्म करने वाले हैं। हम सभी हिंदी के शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और हम ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश में पद बहुत रिक्त हैं, 90,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, बहुत सारे खाली पद पड़े, बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रांसफर हो चुके हैं। पदों का पूरा डाटा विभाग के पास है, शिक्षा विभाग के पास, लेकिन प्रदेश ने हमें पद दिए हैं हिंदी के सिर्फ 100 पद, विज्ञान के सिर्फ 60 पद, सामाजिक विज्ञान के 50 पद और उर्दू के सिर्फ 18 पद, जो ये हम सबके साथ बहुत अन्याय हुआ है और हम इसी के लिए सभी मंत्रियों के पास जा रहे हैं। सबसे बड़ी और दिक्कत की बात है कि हम लोग पीड़ित हैं। आज शिक्षक दिवस है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है, आज शिक्षक घर बैठा हुआ है। आपका शिक्षा स्तर प्रदेश में कितना नीचे चला गया है, ये प्रदेश के हम मंत्रियों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, हर विधायक, हर सांसद, हर सीएम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप शिक्षकों का सम्मान नहीं है, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, तो प्रदेश में कैसे बच्चों का जीवन और भविष्य उज्ज्वल हो पाएगा। आप शिक्षकों के साथ एक और आप रोजगार की बात करते हैं और देखें तो प्रदेश, मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 बेरोजगारी के मामले में है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। 10 सालों में सर परीक्षा हुई है शिक्षक पात्रता, 2011 के बाद प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की कोई परीक्षा नहीं हुई। आप अतिथि शिक्षकों से काम करवा रहे हैं, जब 2018 में परीक्षा हुई है, आपने ली है, तो आपको पदों का विवरण उस समय रखना चाहिए। आज बहुत से लोग ओवर एज हो चुके हैं 10 सालों में, अब तो परीक्षा का कोई पता नहीं है कि प्रदेश में कब शिक्षकों की परीक्षा होगी और कब भर्ती होगी, हम लोग उससे वंचित हो चुके हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और जबकि पद हैं खाली, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, पदों में वृद्धि हो चारों विषय में और सभी शिक्षकों को उनकी जो राइट है वो उन्हें मिला जाए। इसके लिए हम मंत्री जी के पास आए थे, मंत्री जी ने हमें जैसा हमेशा की तरह हमें आश्वासन मिलता है सभी से, जैसे मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आप परसों आइए, मैं अपने लेटर पैड पे सीएम को आपकी बात रखूंगा, ये प्रदेश स्तर की बात है, वो नीतिगत हमसे चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात हो रही है, आप आकाश विजयवर्गीय जी माननीय विधायक महोदय के साथ साथ और भी अन्य मंत्रियों से मिले थे, उनका क्या कहना था? सर, हम आकाश जी से भी मिले, कैलाश जी से भी मिले, हम लालवानी जी से भी मिले, हम सभी से मिले, यहाँ तक कि भोपाल भी हम लोग बहुत बार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन सब कर चुके हैं, शांतिपूर्ण, शांतिगत, नीतिगत हमने किए हैं क्योंकि ये हमारा राइट है। या तो आप मत निकालते परीक्षा, आपके पास पूरा डाटा है कि कितने शिक्षक हैं, कितने पद रिक्त हैं, स्कूलों में कितने बच्चे हैं, आपके पास पूरा शिक्षा विभाग के पास पूरा डाटा होता है, तो आप उस बेस पे शिक्षकों की भर्ती निकालिए ना। आप फॉर्म भरवा लेते हैं 8-8 लाख, 7-7 लाख और जब आपको भर्ती करना होती है तो आप बोलते हैं 100 पद 50 पद, यानी कि ऊंट के मुँह में जीरा। तो ये हम बेरोजगारों के साथ कितना अन्याय है, हमारा भविष्य, हमारा जीवन तो यही है सर, अब हम क्या कर पाएंगे इसके बाद। अब भी सर, अब भी प्रदेश से हम ये कहना चाहती हूँ मैं इस आपके माध्यम से कि आप वर्ग 3 में भी खिलवाड़ कर रहे हैं, वर्ग 3 में भी आपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, शिक्षित युवा बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, फिर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने फॉर्म भरवा लिए वर्ग 3 में 6 लाख 7 लाख, लेकिन आपने पदों का अभी तक विवरण नहीं दिया नोटिफिकेशन में, तो हम ये चाहते हैं कि आपने वर्ग 2 और वर्ग 1 में जो गलती की है, हमारे जीवन को खराब करके अंधकारमय बनाकर, आप वर्ग 3 में बच्चों के साथ ऐसा ना करें। आप पदों का विवरण दें कि आपको 1,000 शिक्षकों की जरूरत है, 10,000 शिक्षकों की जरूरत है, 50,000। तो हमें कैलाश जी से, आकाश जी से सबसे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि वो हमारी बात
सीएम तक पहुंचाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। और हम आपके मीडिया के थ्रू, मंत्री जी के थ्रू हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, पदों में वृद्धि हो और हम लोगों का जीवन सुरक्षित हो। इसके बाद हमारे साथ ना तो कुछ प्रदेश में परीक्षा होने वाली है और ना ही हम लोग परीक्षा देने के काबिल है। आपका एक बार फिर नाम बताएं। मेरा नाम ममता निगम है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं सर? हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में 24,000 शिक्षकों के पद आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 4 पदों को तो बहुत नामांकित पद दिए हैं और उसकी पद वृद्धि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए प्रदेश में तो पूरा डाटा है कि 90,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन हम 90,000 की बात नहीं करते। हम हमारी सरकार से, मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि 24,000 रिक्त पदों का फंड आपने डिसाइड किया है, उसमें से 6,000-7,000 पद खाली जा रहे हैं ST SC के। हम 90,000 पर नियुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस मीडिया के थ्रू और हमारे ज्ञापन के थ्रू हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो 6,000-7,000 पद बिल्कुल खाली जा रहे हैं और जिसका फंड सरकार ने पहले से डिसाइड किया, उन पदों पे हमारी नियुक्ति की जाए, क्योंकि वैसे भी पद खाली हैं और हम लोग पद वृद्धि चाहते हैं। तो उन पदों को इस तरह से भर सकती है सरकार, जिसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उर्दू के पदों से उन पदों को भर सकती है और हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है, हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकती है। बस इतना ही हम चाहते हैं।